दुनिया में सबसे ज्यादा आसान शक पैदा करना है। अब मैंने भी जिक्र किया कि 11 बीबी उन्होंने की, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने क्यों की, वो तो शक डाल के चले गए, लेकिन हम क्या मतलब, क्योंकि ठोकने के लिए लोग हैं। सुभान अल्लाह, कह रहे क्यों की भाई, ठोकने के लिए की और किस लिए की सुलेमानी भाई, अभी ये भी कोई सवाल है क्यों की। अभी रेडी हो जाओ, अब डिटेल में होएगा भाई, अभी रेडी हो जाइए, अभी डिटेल बताएगा वो ना, तभी बहुत मजा आएगा तुमको, सुनो। सुभान अल्लाह वाह वाह। अब हुजूर ने 11 क्यों की, उसकी बेशुमार हिकमतें हैं। पहली हिकमत, अरब का दस्तूर था, हिंदुस्तान पर इस्लाम के मामलात को कयास न किया करो, इसलिए कि इस्लाम सिर्फ हिंद के लिए नहीं आया, इस्लाम आफाकी मजहब है, इस्लाम पूरी कायनात का मजहब है, इस्लाम गुज़िश्ता मजाहिब को भी चैलेंज करता है और बाद में पैदा होने वाले मजाहिब को भी चैलेंज करता है। हुजूर की आमद से पहले लोग ज्यादा बीबियां रखने को फख्र समझते थे और कम बीवी रखने को ऐप समझते थे। आज के दौर पर हुजूर को कयास न करना, अपने हालात पे कयास न करना। खुद आप देखें, राजा दशरथ को आप देख ले, जो राम के बाप है, उनकी तीन तीन बीवियां थी इसी तरीके से। अच्छा, और वो राजा था और इनके जो नबी है वो फकीर थे भाई। एडम भाई क्या है मालूम है क्या भाई, ये बैसाखी का सारा ले रहे हैं। राजा दशरथ तो राजा था भाई, वो तो कितनी भी रखे वो उसकी मर्जी, वो भूखा नंगा थोड़ी था, वो पूरे गांव को खाना खिला सकता था भाई, वो औरत की इज्जत भी करता था भाई। बोलिए भाई, मैं कहता हूँ कि चाइनीज डायनेस्टी में एक एक किंग की 100 के हिसाब से बीवियां थी, तो उनको फिर गालियां क्यों निकालते हैं मुस्लिम। रोमन्स में सीजर को ये लोग बड़ी गालियां निकालते हैं, तो सीजर ने जो कुछ किया वो सारा कुछ मोहम्मद ने किया। जूलियस सीजर में और मोहम्मद में कोई फर्क ही नहीं है, उसने भी वही रंगरेलियां की जो मोहम्मद ने की। तो भाई फिर बाकी लोगों को गालियों को निकालते हो जब कोई लगता है 8-10 आजकल। अच्छा, मोहम्मद के ही जमाने में मोहम्मद ने फिर 4 पे बाकी सबको 4 पे की रोक दिया। उस जमाने में दस्तूर था ना, दस्तूर था, तो मोहम्मद ने बाकी मुसलमानों को 4 पे की रोक दिया। क्या बकवास है यार, एकदम झूठ बोलते हैं जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। 10 सेकंड में इनका झूठ खत्म हो जाता है यार, 10 सेकंड में। अच्छा, उस जमाने में बहुत ही बड़ा दस्तूर था, फिर मोहम्मद भी उसी लेवल पे करता और अपने साहबियों को भी कहता कि अगले 500 साल तक आपने ज्यादा रखनी है, उसके बाद आपने ज्यादा नहीं रखनी, उसके बाद एक रखनी है। अंब, मैंगो, बाबा जी का ठुल्लू। जी आगे चले सर। एडम भाई एक सवाल था मेरा। हेलो, कर ले, करेंगे तो सर पता लगेगा। एडम भाई, मैं एक मौलाना का बयान सुन रहा था, उसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब जो प्रशियन ये था, उसको उसने मुसलमान बताया था, जो सिकंदर असल आलम थे। जी बेसिकली, हाँ बेसिकली ये दुलकर नैन है ना, दुलकर नैन। मेजॉरिटी ऑफ द मुसलमान कहते हैं कि दुलकर नैन, दुलकर नैन लफ्ज है दो सिंगों वाला, दुल दो सिंगों वाला कर नैन, जिसके दो सिंगों। दुलकर नैन जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, हिस्ट्री के अंदर वो वाहिद किंग या रूलर या अटैकर था जो के एक पहनता था टोपा सर के ऊपर, जिसपे दो सींग होते थे लोहे के, यानी जो हेलमेट वो पहनता था ना उसमें दो सींग थे, और उसका जो सिक्के जब निकले थे तो उसके अंदर भी दो सींग बने हुए थे उसके सर के ऊपर, बिकॉज ही यूज्ड टू वेयर अ हेलमेट विद टू हॉर्न। तो बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को जुल्करनैन मानते थे। अच्छा, और बड़े अरसे तक मानते रहे, कोई 800-900 साल तक मानते रहे वो। क्यों? क्योंकि तमाम बातें जो हदीसों में, जो तफसीरों में लिखी हुई है, वो एग्जैक्टली वही है जो जुल्करनैन जैसी है, ठीक है। लेकिन फिर हुआ ये कि लेटेस्ट रिसर्च ने साबित किया مختلف ریفرنسز کے تھرو کہ الیگزینڈر دا گریٹ جو سکندر اعظم ہے وہ گے تھا, ہی واز اے گے, وہ لونڈے باز تھا. تو پھر جو لیٹر آن مسلمان تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا نہیں 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 الیگزینڈر دا گریٹ نہیں ہے, لوگوں کو غلط قیاس ہوا تھا, کیونکہ بھائی ایک, کیونکہ بقول قرآن کے وہ تو ایک بہت بڑا پروفٹ تھا, نبی تھا, تو وہ نبی ذوالقرنین نبی کو گے تو نہیں رکھ سکتے تھے. تو اب جب الیگزینڈر دا گریٹ ثابت ہو گیا کہ گے ہے تو مسلمان کہنا شروع ہو گئے نہیں 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 دلکرنین جو ہے وہ الیگزینڈر دا گریٹ نہیں ہے. لیکن ابھی بھی چونکہ بہت سارے مسلمانوں کو نہیں پتا کہ سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ وہ دا گے پرسن, یعنی اس کی بیویاں گرے نہیں, ہومو سیکسول,
गलत बोल रहा हूँ लफ्ज, होमोसेक्सुअल नहीं, दोनों के साथ बाइसेक्सुअल, सॉरी बाइसेक्सुअल, ही यूज्ड टू गो फॉर बोथ, राइट। जब बंदा मिल गया बंदा, जब बुटी मिल गई बुटी, लाइक उसे कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है, जो मिले आ जा भाई। तो वो उसकी वजह से अभी तक बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी लोगों को नहीं पता इस हिस्टोरिकल फैक्ट का। तो इस वजह से अभी तक वो अर्ली स्कॉलर्स की टीवी बातों को अपनाए हुए कहते हैं कि दुलकर नायन जो है वो सिकंदर आजम अलेक्जेंडर द ग्रेट है, बट ही इज नॉट, ही वाज नॉट। प्रॉब्लम ये है कि कुरान और मोहम्मद, मोहम्मद ने सिर्फ वो बातें बताई हैं जो उसने लोगों से सुनी हुई थी उस जमाने में, जो किस्से चल रहे थे ना, उसने वो किस्से लिखवा दिए कुरान में। अल्लाह तो है कोई नहीं, अभी आपको साबित किया था। अब इसी तरह ये जुलकर नैन के बारे में किस्सा किस तरह आया था कि किसी, इसके असबाबुल नजूल ये है कि किसी ने पूछा इससे मोहम्मद से कि यार अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमें जुलकर नैन के बारे में बताओ, क्योंकि उस जमाने में इतना कुछ नहीं पता था लोगों को जुलकर नैन का। अब मोहम्मद जो है ना वो फिरता होता था तिजारत के लिए, उसने कहानियां सुनी हुई थी। कुरान भी इसीलिए कहता है कि ये लोग कहते हैं तुमसे कि बताओ कि दुलकर नैन कौन है, तो हम बताते हैं कि दुलकर नैन कौन है। दुलकर नैन वो है जिसने एक सफर का रास्ता किया और वो तलुए फजर तक जा पहुंचा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वो जो है ना आयत चैप्टर नंबर 18 की, वो शुरू यहां से होती है कि ये लोग तुमसे पूछते हैं, तो असबाबुल नजूल भी है। तो मोहम्मद ने उसको, दुलकर नैन को अपना प्रॉफिट बना दिया, उन्हें कहा इन्हें अंब का पता नहीं, चलो मेरी गल मान लेंगे। लेकिन इतने अरसे के बाद, 2000 साल के बाद, जब सारी चीजें फैक्चुअल नजर आ गई हैं, मुझे आज के जमाने में समझ नहीं लगती कि मुसले मुसले क्यों हैं, आज के जमाने में क्यों हैं। उस वक्त चलो ठीक है यार, लोगों के पास अकल नहीं थी, रेफरेंसेस नहीं थे, नॉलेज का फुकदान था, देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स, और कुरान की इन अजीब अजीब बातों को लोग मान बैठे सच्चा, काइंड ऑफ मेक सेंस। इस वक्त जब इतना नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, सारा कुछ है, इस वक्त ये कैसे मान के बैठे हुए हैं, दैट्स द बिगर प्रॉब्लम। बद्दुओं की अकल पे कोई क्या रोए, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने वाली मुसलमान उम्मत को क्या हो गया है भाई, इन्होंने अकल किधर फेंक दी है, इनके साथ क्या मसला है, इनको तो आज सब मालूम है ना। उस वक्त तो चलो जिसको जो, मैं तो कंसेशन देने को तैयार हूँ भाई उस जमाने में, चलो क्या पता जिसको जितना मालूम है उसने बता दिया, उस हिसाब से तो गलत भी हो सकता है। लेकिन आज के मुसलमान को क्या मसला है, उसने आगे क्यों नहीं बढ़ना है, उसने क्यों अटके रहना है उन गलत बातों पे। Exactly, मैं आज के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ ना, आजकल तो इन्फॉर्मेशन ओपन है, यू कैन सर्च, यू विल फाइंड इट। कुरान में कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले से ना बताई गई हो, पहले से ना हो। और मोहम्मद ने जो जो बातें बताई हैं जन्नत की, अच्छा मोहम्मद ने जन्नत की जितनी बातें बताई हैं ना, वो रोमन बादशाह सीजर ने जो एक आइलैंड पे गया था, उस आइलैंड पे उसने जो जो कुछ किया हुआ था ना, उसने लोगों के नाम मुंह से सुना हुआ था, उसने एक बड़ा सा महल बनाया, राइट साइड पे देखो ता हद निगाह उसका महल है, उसके बाग हैं, लेफ्ट साइड पे देखो ता हद निगाह उसका बाग है, और उसके बाद समुंदर है, पानी पानी, ठीक है, तो पानियों के ऊपर आ गया, फिर उसके महल में मोतियों की तरह लड़के घूमते फिरते हैं जो उसको सर्व करते हैं, ठीक है। ये सीजर, जूलियस सीजर की कहानी है सारी, उसने महल बनाया था एंड में, वहां पे हर किस्म की बच्ची वो अपने इलाके से टैटम टैड बच्चियां पकड़ के उस महल में ले जाता है, ठीक है। ऐसी बच्चियां जो जो जिसने कभी किसी मर्द के साथ कुछ ना किया हो, कुरान भी यही कहता है, वो बच्ची जिसने कभी किसी मर्द को टच भी नहीं किया, ये वाली हम तुम्हें जन्नत देंगे, वो वहां पे ले जाता था, उनके साथ शब बाजारी करता था, एक एक नहीं कई कई बच्चियां उसके पास होती थी, 72 72 के साथ एक ही दफा में करता था, 72 का लफ्ज आ गया कुरान के अंदर। वट एवर यू विल हेयर अबाउट जूलियस सीजर एंड हिज पैलेस, जो उसने वो कैप्रिया के पास एक आइलैंड के ऊपर बनाया था अपने आखिरी औकात में, और वहां पे अपनी एंड एंड जो है उसने सफर किया, वो सारा कुछ आपको कुरान में मिलेगा। शराब मिलेगी, ऐसी खूबसूरत शराब कि आप जितनी मर्जी पी लो आपके सर में दर्द नहीं होगा, आपको कुरान में वही मिलेगा। जूलियस सीजर की शराब, उसने कितने पुराने लोगों ने जो शराब रखी थी, वो जो अच्छी अच्छी पुरानी पुरानी शराब थी उसने वहां पर लागी कि वो हेडेक ना दे लेकिन मस्ती कराए, वो उसने वहां पर ले जा दी। अब जो बच्चे हैं लड़के हैं वो उसने वहां पर रख दी। यार यू विल फाइंड एवरीथिंग दैट जूलियस सीजर हैड इन हिज पैलेस, मोहम्मद वो डिस्क्राइब कर रहा है। अंगूर, अंगूर जूलियस सीजर का फेवरेट, आप हिस्ट्री पढ़ो यार जूलियस सीजर की, यू विल नो दैट, यू विल नो, उसने जो जो कुछ वहां पे किया था ना
वो सारा कुछ मोहम्मद ने गिरता दिया, जन्नत में मिलेगा। क्यों मोहम्मद को यहाँ पे नहीं मिल सकता था? कोई नई चीज बताओ मुझे। हाँ सब जो एक चीज है वो उसने दूसरी जगह से ली है, वो ये लिया है कि जन्नत में आपकी जिंदगी कभी खत्म नहीं होनी, एवर लास्टिंग लाइफ। ये उसने बाइबल से चुक लिया एवर लास्टिंग लाइफ। उन्हें कहा चलो जी एथो चुक लो, एक दो चीजें एथो चुक लो, दो चीजें ओथो चुक लो, चलो जी इस्लाम बन जाता है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? दैट्स इट। बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखो जन्नत का नक्शा क्या खींच रहा है, जो आप इस दुनिया में बना सकते हो अगर आपका पैसा हो। What is the benefit of the heaven अगर आप इस दुनिया में बना सकते हो अगर आपका पैसा हो, क्या बेनिफिट है? There's nothing. Everlasting sex. Julius Caesar घंटों बड़ा सेक्स कर लेता था। कैसे? सारा कुछ आपको मिल जाएगा। मैंने एक जमाने में एक प्रेजेंटेशन दी थी जूलियस सीजर। म्यूजिक की आवाज कहां से आ रही भाई? ये पता नहीं कोई गिटार बजा रहा है ला? अली भाई बजा रहे क्या? एनीहाउ तो ये बेसिक आप जब देखोगे आपको पता लगेगा इस्लाम में आपको हर चीज नजर मिलेगी। सिकंदर आजम भी इसी तरह आ गया, लोगों ने कहा शायद नबी हमें कुछ बता दे इसको साबित करने के लिए। चलो जी वाह जी वाह माशाल्लाह दुलकरनैन आ गया। आज दुलकरनैन बाइसेक्सुअल साबित हो गया। नहीं 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 ये सिकंदर आजम नहीं, कोई और है। कौन है पता नहीं। कुरान में एक बंदे का जिक्र है जो एक जगह से चला और दूसरी जगह तक पहुंच गया, जमीन के एक कोने से चला दूसरे कोने तक पहुंच गया, सूरज निकलने वाली जगह से गया सूरज ग्रुप होने की जगह तक पहुंच गया, फिर वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा, वहां पे उसने डैम बना दिया, सारा कुछ कर दिया। किसी को पता ही नहीं है, हिस्ट्री में कोई रिकॉर्डेड नेम ही नहीं है इसका। क्या बकवास है भाई? हेलो, हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इस चीज का, इतने बड़े शख्सियत का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। क्या बकवास है, क्या बकवास है यार। कोई यार अक्ल तकल के नाखून लो तुम लोग, अक्ल वक्ल के नाखून लो। खिजर, उसने जनाब खिजर ने क्या किया हुआ? खिजर ने पिया हुआ है आबे हयात से पानी। खिजर ने आबे हयात से पानी पिया हुआ है, वो मर ही नहीं सकता। लो जी ये इनका एक नबी है खिजर। मूसा खिजर के पास जाके उससे नॉलेज लेने जा रहा है। अल्लाह ने कहा तू खिजर के पास जाके नॉलेज ले। अल्लाह तू फरिश्ते भेज रहा है, तू मेरे साथ डायरेक्ट बातें कर रहा है, अल्लाह तू बता देना मुझे इल्म दे दे, तू ही दे दे, नहीं तू जा खिजर से जाके सीख। मूसा अल्लाह कह रहा है मेरे से ज्यादा दाना, मेरे से ज्यादा कोई अकलमंद शख्स भी है? हाँ है। कौन है अल्लाह? खिजर। क्या करूं, कैसे जाऊं उससे जाके नॉलेज ले, कैसे जाऊं? तू ऐसा कर एक मच्छी ले, उसे बास्केट में डाल, जहां पे मच्छी बास्केट में से कुड़ुम करके बाहर निकल जाएगी और तैरना शुरू कर देगी, समझ ली वहां पे खिजर है। अब मच्छी कैसे तैरना शुरू कर देगी? वो आबे हयात यानी कि हमेशा जिंदा रखने वाला पानी, आब हयात, आबे हयात, हयात जिंदगी देने वाला पानी, वो वहां पे जाके दो 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 दरियाओं के क्रॉस सेक्शनल के ऊपर जाके जो है ना नींद आ गई, वो पानी की छींटे गिरी मच्छी के ऊपर, मच्छी चुपक्रम करके पानी के अंदर चली गई, मच्छी जिंदा हो गई। खिजर ने आबे याद भी आया है भाई, ये किधर है आबे याद, सानू भी दस दो असी जाके पी लीए है। इतनी आबादी है दुनिया की, 8 बिलियन आबादी के 7.5 बिलियन आबादी, सबको आबे याद चाहिए भाई, आज तक नहीं मिला किसी को। मूसा चला भी गया आबे याद लेने, उस वक्त हवाई जहाज भी नहीं थे, किश्तियां भी शायद बड़ी मुश्किल से थी जो कि चलती नहीं थी, हवा से चलती थी, गाड़ियां नहीं थी। वो मूसा इजिप्ट से निकला आबे याद वाली जगह भी पहुंच गया। क्या ड्रामेबाजियां लिखी हुई है भाई, आबे याद ना हुआ पता नहीं क्या ड्रामा हुआ। वहां से वो पकड़ता है किश्ती में बैठ के, किश्ती में सुराख कर देता है। मूसा कहता है किश्ती में सुराख क्यों किया? कहता है मैंने कहा था ना बोली, जो मैं करूंगा बोली ना। क्या बकवास है, अगर तू नॉलेज लेने गया तो तुझे बताना है हर चीज डंगर। तो आपको पूरे कुरान के अंदर इस टाइप की बहुत ढेर सारी चीजें मिलेंगी। फिर मूसा कहां से पकड़ा? मूसा पकड़ा बिब्लिकल करेक्टर, उसको एड कर दिया खिजर के साथ, एक कहानी के साथ जोड़ दिया, अपनी कहानी बना दी। जहां से मर्जी एक चीज वहां से पकड़ी, एक चीज वहां से पकड़ी। अच्छा अब जन्नत में जाना है, कैसे जाना है? पुले सरात क्रॉस करना है। पुले सरात क्या है? वो एक पुल है जो उसने पकड़ लिया, ज़ोरास्ट्रियंस कहते थे कि उनका एक ब्रिज है, ब्रिज ऑफ समथिंग, मुझे भूल गया उसका नाम। तो ब्रिज ऑफ, उसके ब्रिज के ऊपर से गुजरोगे तो आप एवरलास्टिंग लाइफ तक पहुंचोगे। मोहम्मद ने वो भी चोरी कर लिया, पुले सरात बना दिया, उस ब्रिज के नीचे क्या हेल। कुरान चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 70-71, नहीं है कोई जो इसके ऊपर से गुजर सके।
ایکسپٹ کے پہلے وہ گر جائے گا جہنم کے اندر, اور پھر اللہ جس کو چاہے گا اس میں سے نکال دے گا. قرآن کے اندر لکھ دیا یار, زوراسٹرین کی کتاب کا پل ایز اٹ از قرآن کے اندر ڈال دیا, سورہ 19 آیت نمبر 71. سیریسلی آگ پرست بھی بیچ میں آ گئے, یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں. جو محمد کے ارد گرد جتنے بھی آئیڈیالوجیز تھیں وہ پکڑ کے اس نے تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے, جو جو سنتا رہا تجارت کرتے ہوئے جاتے ہوئے, جو جو کچھ سنتا رہا, وہ جو بندہ جو کہتا تھا وہ محمد اس کے اندر گیم ڈال دیتا تھا, جو جو اس نے سنا ہوتا تھا. اب مسلمان آج ڈرتے ہیں اللہ میاں میں جنم میں بہ گیا. کون سی جنم؟ وہ آگ پرستوں والی جنم, کیونکہ پل تو وہاں پہ تھا, محمد نے کاپی کیا تھا. پل سرات کی ضرورت کیا تم لوگوں کو؟ وائی ڈو یو نیڈ پل سرات جب اللہ نے پیمانے میں لیفٹ اور رائٹ ہاوی کر دینا ہے, سارا کچھ ہو جانا ہے, اس کے بعد وائی ڈو یو نیڈ اے برج؟ اس کے بعد برج کی ضرورت ہی نہیں ہے. برج کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ لاجیکل فیلسی ہے. اگر آپ کا سارا میزان پہلے ہی کیلکولیٹ ہو گیا ہے, آپ دائیں ہاتھوں میں آپ کا نام اعمال آ گیا ہے, اب آپ پول کراس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ زوراسٹرینز جو تھے, زوراسٹرین نہیں, آگ پرستوں کو کیا کہتے ہیں یار, زوراسٹرین کہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کیا کہتے ہیں, مجھے بھول گیا, جو آگ پرست والے لوگ تھے, صحیح بولے, ہاں زوراسٹرین, وہ پول سرات کا ان کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ لیفٹ رائٹ میں نامہ مال نہیں ہے. محمد چوری کیا, چوری کا مال ہے. تو لہٰذا چونکہ چوری کا مال ہے, لہٰذا محمد نے اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ چوری کا مال جب لگایا تو اب اس کی لاجک ہی نہیں بن سکتی. کیسے بنے گی؟ اور تمہارے ماتھے پہ جو محراب ہے نا, اس میں سے روشنی نکلے گی, اور وہ جو اندھیرے کے اندر پل ہے نا, اس کو تم دیکھ سکو گے. ارے نہیں, لیکن پل تو بلیڈ کی طرح تیز ہے, اس پہ پیر رکھو گے کٹ جاؤ گے. ارے وہ جو تم قربانی کے جانور کاٹتے ہو نا ہر عید الاضحیٰ کے اوپر, اگر تم نے سچی نیت سے کیا ہوگا, اس جانور پہ بیٹھ کے پل کراس کرو گے, اس کے پیر نہیں کٹیں گے. ابے بچپن سے یہ کہانیاں سنتے آ رہے ہیں یار, بچپن سے اس ٹائپ کی سٹوپڈ کہانیاں سنتے آ رہے ہیں اور ہم یقین کر کے بیٹھے ہوئے. جب پڑھنے جاتے ہیں پتہ لگتا ہے یار ہر چیز لیفٹ رائٹ سے اٹھائی ہوئی ہے, کوئی کہیں سے اٹھا لی, کوئی کہیں سے اٹھا لی, کوئی کہیں سے. محمد گیا ہر جو ہے وہ لیول کے اوپر, جنت کے ہر لیول کے اوپر جا کے کنڈی کھڑکا رہا ہے, کنڈی نہ کھڑکا سونے ہے, لیکن وہ کھڑکا رہا ہے اندر سے جو ہے نا, وہ دروازہ, دربان جو ہے دروازہ کھولتا ہے, دربان دروازہ کھولتا ہے, کہتا ہے ہاں بھائی کون ہے؟ جبرائیل. تیرے ساتھ یہ کون ہے؟ محمد. کیا محمد کو پرمیشن ہے آنے کی؟ ہاں جی. اوکے میں دروازہ کھولتا ہوں. لو یہ دروازہ کھل جاتا ہے. کہاں سے اٹھایا؟ وہ جو عذرا میرا ہے, عذرا مدرا جو ہے, جو گیا تھا زوراسٹرین کا, وہ گیا تھا اوپر یہ ساری کام کرنے, وہاں سے اٹھایا. یہ جو کہانی ہے یہ وہاں سے اٹھائی ہے. عذرا مدرا جو ہے, جو بھی اس کا نام ہے, عذرا میرا, عذرا مدرا, کچھ بھی جو بھی اس کا نام ہے, وہ یہ کہانی کر کے آیا ہوا ہے. ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ بھی میں نے دکھایا تھا اپنی کسی ایک اسٹریم کے اندر. کچھ یہاں سے اٹھا لیا, کچھ بائبل سے اٹھا لیا, کچھ یہودیوں کے لفظ آف ماؤتھ سے اٹھا لیا, جسے تالمود کہتے ہیں, اورل ٹریڈیشن سے اٹھا لیا, جو اس نے سنا یہودیوں کے منہ سے, ٹھیک ہے, ورڈ آف ماؤتھ, اورل ٹریڈیشن سے چک لیا. تو محمد کے پاس تو امب بھی نہیں تھا خود کا. کچھ what did he give you? What new did he give you? He gave you what? Fighting. اس نے ایونچولی خود کیا دیا ہے؟ فائٹنگ. لڑائی کرو, قتل و قتال کرو, اور بچیوں کو غلام بناؤ. بچیاں غلام کون بنا رہے تھے؟ رومنز. وہ بھی اس نے وہاں سے اٹھا لیا. رومن جب لڑائی کرتے تھے, جو لڑکیاں ہاتھ آتی تھیں ان کو ملکل یمین بنا لیتے تھے, ان کے ساتھ سیکس کرتے تھے, یہ اٹھا لیا اس نے رومن سے, رومن آئیڈیالوجی سے. ازورا مزدا, یس ازورا مزدا, تھینک یو الیکٹروسٹیٹک, تھینک یو ازورا مزدا. تو محمد نے وہ چیز رومن سے اٹھا لی. بچیاں پکڑو, ان کے ساتھ ڈنگ ڈونگ جاؤ, جتنی مرضی بچیاں لے لو, کوئی لمٹ نہیں ہے, یہ وہاں سے اٹھا لیا اس نے. تو وٹ از نیو ان قرآن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے؟ کیا ہے, کیا دیا ہے قرآن نے آپ کو؟ ویئر از دا سلویشن ان قرآن؟ ویئر از دا سلویشن؟ یہ جو ہے نا, تم اسلام قبول کر لو, تم جو ہے نا بچے بن جاؤ گے, یہ بھی آپ نے دوسری جگہ سے اٹھایا, یہ آپ نے کرشن سے اٹھا لیا. کہاں سے اٹھا لیا جی؟ آپ ایک نئے, یو آر ری بورن ان کرائسٹ, آپ دوبارہ پیدا ہوتے ہو کرائسٹ میں. جتنے مرضی بڑے ہو جاؤ, دا اسٹیٹمنٹ دا کرسچن سیز یو آر ری بورن ان کرائسٹ, آپ ری بورن, آپ کی ری برتھ ہوئی ہے جب آپ نے اسے ایکسپٹ کیا. اوکے, یہ چیز آپ نے وہاں سے اٹھا لی ہے.
سو آپ محمد کوئی نئی تھیولوجی تو نے دی ہے؟ ون نیو تھیولوجی جو پہلے سے موجود نہ ہو کسی نہ کسی اور جگہ کے اوپر, ٹھیک ہے؟ پھر جو آگ سے شیطان بنائے اور دور سے اینجل بنائی, یہ کہاں سے اٹھایا؟ یہ آپ نے کنزا ربا سے اٹھا لیا. کنزا ربا میں کیا ہے؟ کنزا ربا ایک کلٹ ہے, کلٹش موومنٹ ہے, جس کے آج بھی 3-4 ہزار فالوور موجود ہیں اس دنیا میں, ٹھیک ہے؟ جو بیبلیکل جان بپتسٹ ہے اس کے فالوورز نے جب یسوع مسیح کو نہیں اپنایا تو انہوں نے ایک یہ آئیڈیالوجی نکالی, اس کا نام کنزا ربا کتاب. وہاں سے لفظ توحید آپ نے معاذ اٹھا لیا. ان کی کتاب کا پہلی چیپٹر کا نام ہی توحید ہے, جس طرح یہاں پہ پہلے چیپٹر کا نام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. ان کے پہلے چیپٹر کا نام ہے توحید. وہاں پہ اللہ کے 99 ناموں میں سے 56 نام وہاں پہ لکھے ہوئے توحید کے چیپٹر میں, وہ آپ نے وہاں سے اٹھا لیا. لو جی, توحید وہاں سے آ گیا. اس کے بعد نوری اور ناری فرشتے, وہ آپ نے کنزا ربا سے اٹھا لیے. تو بھائی پیچھے کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو آپ نے نہیں نکالی ہے بھائی? What did you brought?